नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले वैन के बारे में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन मैन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर चुके हैं, तो उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का क्या मतलब होता है? विस्तृत, ठीक है, जो ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ हो, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज अ जियोग्राफिकली एक्सपेंसिव नेटवर्क स्पेनिंग लार्ज डिस्टेंसेज ऑफन अक्रॉस स्टेट्स कंट्रीज एंड इवन कॉन्टिनेंट्स। तो जो एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो एक वैन होता है, वो भूगोलीय क्षेत्र में क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, विस्तृत होता है, विस्तृत नेटवर्क होता है, जो कि बड़ी दूरी तक फैला हुआ होता है, स्पेनिंग लार्ज डिस्टेंस, बड़ी दूरी तक फैला होता है। और उसमें क्या हो सकता है? राज्यों, देशों और महाद्वीपों के बीच, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो भौगोलिक क्षेत्र में बहुत विस्तृत होता है, जो बहुत दूरी तक फैला होता है, जिसको अक्सर राज्यों में, देशों में और महाद्वीपों के बीच क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। क्लियर है बात? वैन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स लाइक लैंस और मैंस टू क्रिएट अ वास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक बड़ा और विस्तृत कम्युनिकेशन संचार सिस्टम बनाने के लिए जो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वो क्या करता है? कनेक्ट करता है छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को आपस में, ताकि वो एक वाइड एरिया नेटवर्क बना सके, ठीक है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जब आपस में मिल जाते हैं, तो एक क्या नेटवर्क बनाते हैं? हमारे वैन वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं, जो कि एक विस्तृत नेटवर्क होता है। क्लियर है बात? यहां पर चित्र दे रखा है, फिगर दे रखा है वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क वन, लैन टू, लैन थ्री, लैन फोर एंड मल्टीपल लैंस और मल्टीपल मैंस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जब आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पर देखिए इंटरनेट के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बनाते हैं? एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। क्लियर है बात? तो एक बहुत बड़ा एरिया बनाने के लिए हमें मल्टीपल लैंस और मैंस को कनेक्ट करना पड़ता है आपस में, ठीक है। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन्स, कि जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, उसके गुण, लक्षण, विशेषताएं क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंसिव रीच। वैन हैव द ब्रॉडेस्ट ज्योग्राफिक कवरेज अमंग नेटवर्क टाइप्स। तो सभी प्रकार के नेटवर्क्स की अगर बात करें, तो उनके बीच में जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र कवरेज जो होती है, जो भौगोलिक क्षेत्र को वो कवर करता है, वो क्या होता है? सबसे ब्रॉडेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा विस्तृत होता है, एक्सटेंसिव होता है, व्यापक होता है, ठीक है। स्लोअर स्पीड्स कंपेयर टू लेंस। तो अगर लोकल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में हम वाइड एरिया नेटवर्क की स्पीड्स की बात करें, जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, वो क्या होती है? स्लोअर होती है, कम होती है। वो क्यों होती है? वैन जनरली हैव लोअर डेटा ट्रांसफर स्पीड्स देन लैंस एंड मैंस ड्यू टू द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड एंड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उसकी जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, वो लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क के मुकाबले में कम होती है। उसका कारण क्या होता है? कि उसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, बहुत ज्यादा दूरी को कवर करता है, जिसकी वजह से स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसकी वजह से स्पीड में अंतर आता है, ठीक है। तो ये कारण है हमारा। नेक्स्ट बात करें अगर हम डाइवर्स टेक्नोलॉजीज, तो विविध टेक्नोलॉजीज, बहुत प्रकार की टेक्नोलॉजीज हमारे यहाँ पर यूज की जाती है वैन के द्वारा। वैन्स यूटिलाइज वेरियस टेक्नोलॉजीज फॉर कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी के लिए जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इंक्लूडिंग लीज लाइन्स। तो लीज लाइन का यूज किया जा सकता है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जा सकता है, सैटेलाइट लिंक्स का यूज किया जा सकता है, और सेलुलर नेटवर्क का यूज किया जा सकता है। तो इन सभी का यूज किया जा सकता है एक वाइड एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। ये जो टॉपिक्स हैं, लीज लाइन, फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट, सेलुलर नेटवर्क्स, ये अलग से ही एक सब्जेक्ट या टॉपिक बन सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये क्या है? टेक्नोलॉजी कनेक्ट करने के लिए, जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे क्या माध्यम है? ये मीडियम से हमारे,
फाइबर ऑप्टिक्स हमारा केबल है, लीज लाइन हमारी केबल्स के थ्रू है जो प्राइवेट नेटवर्क होता है हमारा, सेटेलाइट हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, सेलुलर नेटवर्क्स हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टेक्नोलॉजीज है। नेक्स्ट बात करें अगर सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पर देखिए, अगर हम वैन्स आर ऑफन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, ठीक है, तो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसका जो स्वामित्व होता है ओन की जाती है, वो किसके द्वारा ओन की जाती है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के द्वारा। तो जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती है उनके द्वारा वाइड एरिया नेटवर्क को ओन किया जाता है, ठीक है। या फिर सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो भी ओन कर सकता है, इन सर्विसेज को ले सकता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज से, आगे डिवाइड करने के लिए हु लीज कनेक्टिविटी फ्रॉम देम, जो कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कनेक्टिविटी जो हमारी होती है वाइड एरिया नेटवर्क की वो लीज पर लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से और आगे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर का काम हो गया, ठीक। तो ये हमारे क्या थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वाइड एरिया नेटवर्क के, और यही हमारी वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जानकारी थी कंप्लीट की वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।